ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मथुरा से खबर, जहां पर 185 परिवारों ने दी धर्म परिवर्तन की चेतावनी। जाटव समाज के परिवारों ने धर्म परिवर्तन की चेतावनी दी है। जाटव समाज ने कहा कि हमारी नहीं सुनी गई तो हम अपना धर्म बदल लेंगे, मुस्लिम धर्म ले लेंगे। 185 परिवारों की संख्या 4000 के आसपास है। एक भू माफिया से परेशान है ये परिवार। आपको बता दें कि भू माफिया ने जाटव समाज के पुश्तैनी मंदिर पर कब्जा कर दिया है। प्रशासन की मदद से अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। फिलहाल कोतवाली मनोहरपुर इलाके का यह मामला है। 182 परिवारों के 4000 लोग हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। जाटव समुदाय से ये सभी परिवार हैं। इनका साफ कहना है कि अगर मंदिर के जमीन पर कब्जा किया गया भू माफिया के जरिए तो ये अपना धर्म बदल कर मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। हमारा 200 वर्ष पुराना लड्डू गोपाल जी महाराज जी का मंदिर और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क है, जिसमें कुछ भू माफिया फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर इस पर कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसमें प्रशासन उनका पूरा सहयोग कर रहा है। हमने इसका विरोध डीएम साहब से और एसएसपी साहब को भी लिखित में सूचना दी थी कि हमको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला गया है। इसी संदर्भ में कल एक जाटव समाज की एक पंचायत हुई थी यहाँ पर मनोपुरा में, और सभी ने निर्णय किया है कि अगर भू माफिया के पास ये मंदिर जाता है तो जाटव समाज के सभी महिलाएं पुरुष बच्चे सब लोग धर्म परिवर्तन करेंगे और मुस्लिम धर्म अर्पण करेंगे सभी लोग। संवाददाता महेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, 182 परिवारों की अगर नहीं सुनी गई तो ये धर्म परिवर्तन कर लेंगे, प्रशासन क्या सुनने को तैयार है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जाटव समाज यहाँ पर, ये मुस्लिम इलाका है पूरा और यहाँ पर जाटव समाज की बस्ती है। यहाँ पर लगभग 182 परिवार रहते हैं, जबकि उसकी संख्या अगर देखी जाए परिवार के सदस्यों की लगभग 4000 या 4500 के आसपास बताई जा रही है। और उन सभी का कहना है कि हम सभी परिवार धर्म परिवर्तन करेंगे, क्योंकि उनकी पुश्तैनी एक मंदिर है जाटव समाज का, लड्डू गोपाल का, लगभग 200 वर्ष का बताया जा रहा है पूर्व। उसमें पहले कोई महंत हुआ करते थे, वहाँ पर एक महंत के साथ एक महिला वो अब है नहीं, और शायद उन्हीं के माध्यम से कोई राजकुमार नाम का व्यक्ति है जिसने रजिस्ट्री करा ली और ये मामला इसका चला। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी है सब कुछ जमीन, सब हम लोग पुराने समय से 200 वर्ष हो गए यहाँ पर, लेकिन हमको प्रशासन भी दबा रहा, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, हमारी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही, हमारे प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है। अभी अभी पता चला है, बिल्कुल मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट भी पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर उनका सारा स्थान खाली कराकर जो भू माफिया है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए इस समय एनआरसी का मामला चल रहा है, सरकार जो है हिंदुओं की चिंता कर रही है, सभी धर्मों की चिंता कर रही है, लेकिन यहाँ पर हिंदू महेश प्रशासन की तरफ से कोई पहुंचा इनसे बात करने के लिए? हाँ, अभी 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 जानकारी प्राप्त हुई है, सिटी मजिस्ट्रेट वहां पहुंच रहे हैं वहां पर। चलिए, आप नजर बनाकर रखिए, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो 182 परिवारों के क्यों नहीं सुन रहा प्रशासन, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट पहुंच रहा है, ये जानकारी अभी हमारे संवाददाता दे रहे थे। देखना होगा कि प्रशासन से बातचीत के दौरान क्या कोई हल निकल पाता है। तो एक मंदिर पर भू माफिया ने कब्जा किया, एक पार्क पर भू माफिया ने कब्जा किया, जो कि जाटव समाज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका मंदिर है, पुश्तैनी मंदिर है, ये पार्क से उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। ऐसे में अगर यहां पर कब्जा किया गया तो वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे और मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। बोल देना है, सो वाइट वन।